अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप साहब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूके के अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो कि हम मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए। तो काफ़ी मतलब यूनिवर्सिटी की फ़ीस यहाँ पर 9,500 से स्टार्ट होकर जितना ऊपर आप चाहे फिर मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी हो इसकी उसकी फ़ी इतनी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो कि यूके आना चाहते हैं और यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ जहन में रखे कि जब आप सस्ती यूनिवर्सिटीज़ देखोगे तो उसकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। मतलब लाजमी बात है जो यूनिवर्सिटी चीप होगी उसकी रैंकिंग, लेकिन हमारे लिए मैं कहता हूँ हमारे लिए रैंकिंग मैटर नहीं करती। रैंकिंग तब मैटर करती है जब हमारे पास पैसा हो और हम अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि अगर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ तो रैंकिंग का मतलब हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ में ना पड़े, जो फ़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी की फ़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में जाए। ये ना कि मतलब मैं नहीं, इसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, ये वो, इस चीज़ के चक्करों में ना पड़े। मैं मेरा ज़ाती यही ख्याल है, अगर आपके पास पैसे है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है, आप जिस अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट डालूंगा, लेकिन ये बात भी जहन में रखे कि यहाँ पर हर कोर्स की अलग अलग फ़ी होती है। अब यह ना हो कि मतलब आप मैं जिस फी के बारे में बताऊँ आप सोचें कि यह सब सभी कोर्सेज के लिए यही फ़ी स्ट्रक्चर होगा और यही फ़ी होगी, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान में भी अगर आप MBBS करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उस पर कितने पैसे आते हैं। अगर आप बैचलर्स करते हैं किसी और चीज़ में लाइक बिजनेस में किसी और सब्जेक्ट में, तो उस पर कितने पैसे आते हैं। तो ये चीज़ यूनिवर्सिटी टू कोर्स टू कोर्स डिफ़र करती है। ठीक है, इस बात को लाजमी जहन में रखें। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ में लिस्ट डालूंगा वो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ है, कम फीस कम उसकी फ़ी कम ही है। तो जो यहाँ पर 9,000 10,000 11,000 12,000 पाउंड 13,000 तक मतलब मैं कहता हूँ वो अफोर्डेबल ही है। इसके आगे जाना फिर वो महंगी वाली में आती है। अब जैसे कि मैं डीमोन फोर्ट में हूँ, इसकी फ़ी 15,000 पाउंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि 12,000 और 11,000 ये वाली फ़ी, ये यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए, हमारी तरह के लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, तो चलो मैं लिस्ट डाल देता हूँ, आप इसको देखो और ये चीज़ जहन में रखो कि एक फ़ी हर कोर्स की मुख्तलिफ होती है। तो मुझे पता नहीं कि आप कौन से कोर्स में आ रहे हैं, तो जिस भी कोर्स में आप आएंगे उसके फ़ी जो स्ट्रक्चर है जितनी फ़ी होगी उसको आपको उसका पता ऑफ़र लेटर से ही लगेगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ ओवरऑल अफोर्डेबल है, चीप है। तो चलो ये देखें, feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose, it fits some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose.